हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ ही इस घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि सारी जानकारी। जय बजरंग बली मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं कि घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अगर आप अपने घर में स्थान देते हैं और विधिवत आपके घर में रखते हैं तो गरीबी तो क्या कभी भी काल भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता है और आपके घर में सदैव खुशियां बनी रहती है, आपके घर में कंगाली नहीं आती है और आपके घर में सदैव देवताओं का वास रहता है। जैसा आप कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी धार्मिक चीजें हैं जिन्हें व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी ला सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि महंगी मिलती है, ऐसी भी बात नहीं है, हर व्यक्ति इनको ला कर मालामाल बन सकता है और अपने घर में एक सकारात्मक माहौल तैयार कर सकता है, अच्छा वातावरण अपने जीवन में रहने के लिए और अपने जीवन से जुड़ने के लिए तैयार कर सकता है। आज हम आपको इस विषय में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज है। सबसे पहली दोस्तों चीज है बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, मोर पंख। दोस्तों, जिस घर में मोर पंख होता है उस घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती और दूसरी बात, उस घर में कभी भी किसी भी तरह का कोई नजर दोष नहीं लगता। तो जितना आप कमाते हैं वह आपके घर में बरकत होती है, आपके घर में बुरी शक्तियां नहीं आती, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और दूसरी बात, आपके घर में सदैव भगवान श्री कृष्ण अर्थात कि विष्णु का निवास रहता है और जहां पर भगवान विष्णु का निवास रहता है उस घर में माता लक्ष्मी अवश्य रहती है और विष्णु भगवान आपके घर में रहने के कारण आपके ऊपर कभी भी किसी भी तरह के कोई दोष नहीं रहते। जहां लक्ष्मी नारायण रहे वहां क्या दोष। अगर दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो वह है दोस्तों दक्षिणावर्ती संख। आपको अपने घर में दक्षिणावर्ती संख या सामान्य संख भी आपको अपने घर में जरूर रखना चाहिए। यूं कहे तो प्रत्येक हिंदू को अपने घर में एक संख तो अवश्य ही रखना चाहिए दोस्तों। लेकिन संख को रखते समय कई व्यक्ति गलतियां कर बैठते हैं, उनको यह नहीं मालूम होता कि संख को अपने पास कैसे रखना चाहिए और संख को रखना किस प्रकार चाहिए। तो दोस्तों, संख जिस भी घर में रखा जाता है वह उद्देश्य पूर्ति के लिए रखा जाता है। अगर आप अपने घर का माहौल अच्छा व शांति प्रिय रखना चाहते हैं तो आपको बस संख के अंदर रोजाना नित्य जल भरकर आपको अपने घर के पूजा कक्ष में रखना चाहिए और रोजाना उस जल से अपने घर में संख के अंदर जो जल है उससे अपने घर में छिड़काव करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपके घर परिवार में कभी भी कोई दोष नहीं आता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की आवक अच्छी हो या धन आपके घर में बना रहे या धन की समस्या से आप ग्रसित हैं तो आपको क्या करना है कि अपनी अलमारी में संख के अंदर चावल भरकर लाल कपड़े में लपेटकर एक साल के लिए आपको संख भर के हमारी मानने के अनुसार आप रखिए, आपको कितना फायदा मिलता है आप स्वयं देखेंगे। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो ऐसी कौन सी चीज है, तो आपको अपने घर में जरूर निश्चित तौर पर बांसुरी रखनी चाहिए। बांस, शुद्ध बांस की आर्टिफिशियल बांसुरी दोस्तों कोई भी फायदा नहीं करती है, आपको शुद्ध बांस की बांसुरी आपको अपने घर में रखनी चाहिए। अब बांसुरी रखने का नियम यह है कि अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और आपके घर में सदैव कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो आपको बीमार व्यक्ति के पास बांसुरी जरूर रखनी चाहिए, जो कि आपको एक लाल धागा बांसुरी के ऊपर बांधकर आपको भगवान श्री कृष्ण से मन्नत मांगकर कि आप ही अब हमारे कर्णधार हो और आप हमारी समस्याओं को मिटाओ, ऐसा कहकर व्यक्ति को बांसुरी रखनी चाहिए। और अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो आपको अपने बच्चे के स्टडी रूम में बांसुरी रखनी चाहिए, आप स्वयं उस बांसुरी का चमत्कार देखेंगे और आपके घर में कभी भी आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर नहीं होगा या कोई व्यक्ति साधारण तौर से बीमार नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो आपको अपने घर में कौन सी चीज लानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको अपने घर में प्रत्येक हिंदू को अगर वह चाहता है कि गरीबी तो क्या काल भी आपके घर में प्रवेश नहीं करे तो आपको सबसे पहले अपने घर में लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा लानी चाहिए। यह कोई दोस्तों महंगी नहीं मिलती है, छोटी से लेकर बड़ी हर प्रकार की आती है,
आप सबसे अच्छी तो अगर अपने घर में मिट्टी की लेकर आते हैं तो उसकी तो होड़ ही नहीं है, आपको उसको अपने घर में लाकर विधिवत पूजन करने के बाद आपको अपने घर में स्थान देना चाहिए और आपको अपने घर की पूजा घर में रखनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आपका बिजनेस अच्छा चले तो आपको अपने बिजनेस के स्थान पर आपको रखनी चाहिए। दोस्तों यह जरूर ध्यान रखें कि लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को बिना आसन के आपको नहीं बैठाना चाहिए, तो नीचे लाल कपड़ा बांधकर आपको आपके घर में इनको स्थापित करना चाहिए, इनको विराजित करना चाहिए ताकि आप इनका फल देख पाए। दोस्तों इसी तरह हर कोई व्यक्ति पूजा पाठ जरूर करता है, लेकिन क्या आप उस नियम को पालन करके पूजा पाठ करते हैं तो आपको फल मिलता है। दोस्तों हिंदू घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए और अपने घर की गरीबों को दूर भगाने के लिए एक नारियल, सूखा नारियल कहते हैं जिसको, लेकिन जटा वाला नारियल होना चाहिए और सूखा नारियल जो बोलता नारियल भी कई लोग कहते हैं, और उसमें विशेष तौर से अगर एकाक्षी नारियल आपको मिल जाता है तो वह सबसे बड़ी चीज है। उसको आपको क्या करना है कि उसके ऊपर एक लाल धागा बांध दे और उसके ऊपर एक स्वास्तिक का आपको निर्माण कर देना है। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक लाल कपड़े के ऊपर अपने घर के पूजा कक्ष में इसको जरूर रखना है। और आपको यह जरूर ध्यान होना चाहिए कि अगर आप किसी विशेष मन्नत मांगे तो अपने सर से उस नारियल को 7 बार ओसार दें, और जब आपकी मन्नत पूरी होने तक आपको अपने घर के पूजा घर में उस नारियल को रखना है, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो किसी धार्मिक स्थान पर उस नारियल को आपको विसर्जित कर देना चाहिए और नया नारियल आपको लेकर आना चाहिए। दोस्तों अगली चीज की बात करें जो आपके लिए फायदेमंद हो और आपके घर में धनागमन को लेकर आए, तो आपको प्रत्येक हिंदू को अपने घर में रुद्राक्ष की माला जरूर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों आपको रुद्राक्ष की माला लेकर जब आप अपने घर में पूजा करें तो आपको एक इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। दोस्तों यह बहुत ही साधारण मंत्र है और बर्मा का मंत्र है। दोस्तों इस मंत्र इस प्रकार है, दिव्य रूप ध्यायत परमात्मा तेजस्कुलम सावित्री शक्ति सहित परमात्मा न ईश्वरम। इस मंत्र का आपको जाप कर में भगवान ब्रह्मा का मंत्र जरूर बोलना चाहिए, और आप इस मंत्र का जाप नहीं कर पाए तो रुद्राक्ष की माला के साथ ओम हन हनुमंते नमः इस मंत्र का, साधारण मंत्र का तो आप 21 बार जरूर जाप करें और आप स्वयं देखेंगे कि आपको रुद्राक्ष की माला रखने का कितना फायदा आपको आपके घर में मिल पाया है। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो आपको अपने घर में एक यंत्र जरूर रखना चाहिए। सबसे अगर आप किसी ज्यादा किसी यंत्र के चक्कर में नहीं आए तो आपको एक लक्ष्मी धनवसा यंत्र या लक्ष्मी यंत्र महालक्ष्मी यंत्र आपको अपने घर में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों यह यंत्र आपके घर में सदैव बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करता है, आपके घर में धनागमन को बढ़ावा देता है, आपके घर में धन के नए स्रोतों को बढ़ावा देता है, तो आपको अपने घर में इस यंत्र को जरूर रखना चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति अपने घर में हल्दी की 2 जोड़ी की गांठ, और हल्दी की 2 जोड़ी की गांठ आपको किस प्रकार रखनी है आपको इस बारे में भी बता देते हैं। अगर दोस्तों आप भगवान विष्णु की पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, उनके चरणों में 2 हल्दी की गांठ आपको चढ़ानी है, और उसको चढ़ाने के बाद आपको एक दीपक जलाकर अपने लिए एक मनोवांछित इच्छा मांग लेनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है, और आपको उनकी मन्नत को मांगकर हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार है आपको उस मुख्य द्वार पर आपको उस गांठ को बांध देना है। और आपको जब आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए तब आपको क्या करना है, उस हल्दी को बारीक टुकड़े कर ले और अपने घर की छत पर जाकर चारों दिशाओं में उस हल्दी की गांठ को फेंक दे। सदैव भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, और जिस भक्त ने भी यह उपाय किया है उसकी मनोकामना तुरंत ही पूरी हुई है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। दोस्तों अन्य और उपाय जानने के लिए
आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी और आप इन उपायों को करके देखिए, आपको आपके घर में फायदा जरूर मिलता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे ध्यान में आने के लिए कि हमारे भक्त कौन से हैं, कमेंट जरूर आपको करना चाहिए। कमेंट में मात्र आप जय माता लक्ष्मी लिखें, आपको तुरंत जवाब मिलेगा और आपकी हर मनोकामना भगवान पूरी करे। जय लक्ष्मी माता। मित्रों,